सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 पीसी में आपके फोटोज एप्लीकेशन में जो है दोस्तों एरो कीज जो रहते हैं आपके कीबोर्ड के राइट लेफ्ट अप डाउन, तो ये जो कीज़ हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं हम जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी आप जो इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको जो है आपका जो फोटोज़ एप्लीकेशन है आपके पीसी में वो एज ए डिफ़ॉल्ट सेट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करते हैं डिफ़ॉल्ट सेट, तो इसके लिए सिंपल से आपको आपकी सेटिंग्स को जो है ओपन कर लेना है। सेटिंग्स में यहाँ पे आपको ऐप्स में जाना है और राइट पैनल में आपको डिफ़ॉल्ट ऐप्स में जाना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे आपके पीसी में जो भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है और फाइंड आउट करना है फोटोज़ एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटोज़ एप्लीकेशन यहाँ पे है, उस पर क्लिक करके उसको ओपन कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भी आपके इमेज व्यूइंग फॉर्मेट रहते हैं जैसे कि JPG, JPEG और PNG, वो जो है फॉर्मेट यहाँ पे आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं JPEG, तो जैसे उस पर क्लिक कीजिए। अगर यहाँ पे दूसरा ऐप सेट है तो यहाँ से आपको जो है फोटोज़ ऐप ही जो है सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो इमेज फॉर्मेट रहता है JPEG, सेम एज इट इज़ आपको करना है। फोटोज़ ऐप यहाँ पे आपको जो है डिफ़ॉल्ट सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज़ कीजिए। क्लोज़ करने के बाद आप अपने जो इमेजेस हैं वो ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे अब जो है आपके राइट लेफ्ट अप डाउन जो एरो कीज रहते हैं वो 100% अभी वर्क करेंगे, ठीक है। इन केस अभी भी अगर आपको सेम प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है तो आप जो है नेक्स्ट मेथड ट्राई कीजिए। नेक्स्ट मेथड में भी आपको फिर से आपके विंडोज सेटिंग्स में ही जाना है। विंडोज सेटिंग्स में ही जाने के बाद अब यहाँ पे आपको जो है ऐप्स में जाना है। अब यहाँ पे आपको जाना है ऐप्स एंड फ्यूचर्स में इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है सेम फोटोज़ ऐप आपका जो रहता है वो आपको फाइंड आउट करना है। माइक्रोसॉफ्ट फ़ोटोज़ को जो है फाइंड आउट कीजिए, थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए, एडवांस ऑप्शन में जाइए। इस तरीके से जाने के बाद यहाँ से आप इजीली आपका जो ऐप है रीसेट कर सकते हैं। रीसेट भी कीजिए, रिपेयर भी कीजिए, दोनों जो है एक एक करके ट्राई कीजिए, ठीक है। इससे भी आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। इन केस ये मेथड से भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो अब आपको विंडोज सेटिंग्स में ही सिस्टम में जाना है और यहाँ पे राइट पैनल में नीचे स्क्रॉल कीजिए, ट्रबल शूट में जाइए, अदर ट्रबल शूटर्स में जाइए इस तरीके से। और यहाँ पे आपको जो है विंडोज स्टोर ऐप्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रबल शूट मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे आप रन पे क्लिक कीजिए, जो जो भी आपके माइक्रोसॉफ्ट ऐप में प्रॉब्लम रहेंगे वो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। उसके बाद आप ऑन स्क्रीन प्रोसेस फॉलो करके इसको जो है कम्प्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। बोनस मेथड और एक ट्राई आप कर सकते हैं, विंडोज़ को जो है आपको अपडेट करना है। विंडोज़ अपडेट करने के लिए विंडोज़ अपडेट में जाइए, यहाँ से आप इजीली आपका जो विंडोज़ है अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों कुछ इजी और सिंपल सॉल्यूशंस। अगर आपके पास फोटोज़ ऐप में जो है एरो कीज़ वर्क नहीं कर रहे हैं तो इनमें से कोई ना कोई एक मेथड आपके पास 100% डेफिनेटली वर्क कर जाएगा। तो बस उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए, इजी सा शॉर्ट सा सिंपल सा वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।